मेरा नाम है उदय रेचरम, मैं आपका स्वागत करता हूँ टेक एज में। तो आज हम आए हैं जॉय ई बाइक के शोरूम। तो चलिए आज जाके उधर एक्सप्लोर करते हैं और गाड़ियाँ देखते हैं कि कैसी है। ठीक है, जी ये गाड़ी इंडियन मेड है, गुजरात में बनती है, बड़ोदरा करके, वडोदरा समझो या बड़ौदा समझो। इसका वर्ल्ड विजन कंपनी के नाम से है, वर्ल्ड विजार्ड। वर्ल्ड विजार्ड गाड़ी का नाम जॉय रखा है, जॉय, और ये जॉय के नाम से फेमस है। जॉय के नाम से इसके चार पांच मॉडल बनते हैं, लेकिन अभी मार्केट में तीन ही मॉडल चल रहे हैं। अच्छा, एक मॉडल है ग्लोब, हाँ, एक का नाम है वॉल्ट, अच्छा, और एक मॉडल है जेनेक्स नैनो। जेनेक्स नैनो नैनो इनका लिथियम बैटरी से सब गाड़ियां चलती है। इनमें 3-3.5 घंटे का चार्जिंग टाइम है। अच्छा, 60 किलोमीटर तक इनका रेंज मिलता है। तो हाई स्पीड कितनी रहती है गाड़ी की? इनकी हाई स्पीड जो है लोकल में तो 20-25 रहती है। हाँ हाँ, बाहर में आप 30-45 तक जा सकते हैं। 30-45, हाँ। तो तीन मोड, दो मोड ऐसे दिए होंगे गाड़ी। और सब गाड़ियों में लगभग बैटरी एक बराबर है, स्पीड वगैरह चार्जिंग टाइम बराबर है, ट्यूबलेस टायर है, डिस्क ब्रेक है दोनों टायरों में, लेड लाइट है, अच्छा, रिमोट कंट्रोल से चलती है। अच्छा, कीलेस एंट्री वाला? हाँ, रिमोट कंट्रोल से है, चाबी से भी चलती है, रिमोट से लॉक होगी, बंद होगी और अपना चलेगी, चालू भी हो, स्टार्ट हो जाए। हाँ हाँ, बहुत गाड़ी है, इसका ट्रायल भी देख सकते हैं आप। जी जी, एक बार सबका ट्रायल देखेंगे। इनका प्राइस जो है नैनो का टाइम है, प्राइस है 71,500। 71,500 नैनो का शोरूम। अच्छा, और वॉल्फ का जो है, हाँ, उसका 75,000 है। वॉल्फ का 75,000, और गोल्फ का जो है, हाँ, उसका है 73,000। 73, हाँ। तीनों में फर्क क्या आ रहा है? इसमें एसेसरी अलग से चार्ज होती है, एसेसरीज अलग चार्ज, इंश्योरेंस भी अलग चार्ज। इंश्योरेंस आरटीओ लाइसेंस की इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा, इंश्योरेंस आरटीओ की जरूरत नहीं है, सही है। और सवाल क्या पूछना चाहेंगे आप? और मैं एक बार गाड़ी को देख लेता हूँ। बिल्कुल, चला के भी देख सकते हैं, भी देखेंगे गाड़ी के पूरे फंक्शन आप देख लीजिए, लोगों को मैं दिखा देता हूँ चैनल में। हाँ, बिल्कुल बता दीजिए जी। गाइज, ये है जॉय ई बाइक की ग्लोब। देखिए क्या ब्लैक कलर है, ये क्या दिख रही है। चलिए भैया, इसको चालू करके अपन सब दिखाते हैं। यहाँ से पहले लाइट से ही चालू करते हैं इसको। इसकी मेन हेडलाइट चालू कर देंगे भैया। ये देखिए, ये एलईडी हेडलाइट है, एलईडी है। और अब यहाँ पे अपन फंक्शन के बटन देखते हैं। ये लो बीम, हाई बीम, ये इंडिकेटर्स, यहाँ पे अच्छा आगे पीछे के भी चालू कर सकते हैं अपन, ये बटन दिया हुआ है। और ये लाइट ऑन ऑफ करने का बटन, ये गो बटन है, हाँ, तो मोड बटन है ये। और ये पार्किंग बटन दिया हुआ है यहाँ पे, ये हॉर्न, और ये रहा हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे बैटरी स्टेटस है, यहाँ पे बैटरी वोल्टेज है, कितने किलोमीटर चली है वो बताएगा ट्रिप में, अभी थर्ड मोड में है गाड़ी, और ये अभी क्या स्पीड है वो दिखाएगा। अब देखिए अपन इधर स्पीड देख, 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रही है अभी तो वैसे डिस्प्ले में। यहाँ पे रेडी बटन दिया हुआ है, ये पार्किंग बटन को जैसी दबा दो बंद हो गई गाड़ी। यहाँ पे रेडी ब्लिंक होके आता है, और ये इंडिकेटर्स के
ये देखो रेडी ब्लिंको के आगे जैसे पार्किंग बटन हटा और ये इंडिकेटर्स के लिए चालू हो जाता है ये लाइट्स, और ये अगर जब चार्जिंग में लगा तब के लिए ना ये, और तो फंक्शंस ये यूएसबी दिया हुआ है फोन चार्ज करने के लिए। चलो भी एक बार इसकी डिक्की दिखा देते हैं, ये लिथियम आयन बैटरी है जो कि रिमूवेबल है, ये वायर को अपन हटा के निकाल सकते हैं बैटरी को। ये बैटरी है, कितने वाट की बैटरी भी है ये? 24 AH की। 24 AH मतलब 48 वोल्ट या 60 वोल्ट की होगी? 60 वोल्ट की है। और ये दिया हुआ है 60 वोल्ट ना, ये MCB स्विच दिया हुआ है, इसको बंद कर सकते हैं जब बैटरी निकालना हो, और बैटरी अगर वापस लगाना है तब भी बंद करके रखना है, फिर बैटरी लगा के इसको ऑन करना है। बैठे बैठे दूंगा क्योंकि मैंने शोरूम से गाड़ी घर तक चला के लाई है, तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बेहतरीन है गाड़ी चलने में, मैंने काइनेटिक वगैरह सब कंपनी की गाड़ियाँ चलाई है, तो उस हिसाब से ये गाड़ी उस रेंज जो रेट में दे रहा है 73,000 वो गाड़ी उसके लिए बहुत ही परफेक्ट गाड़ी है। तो मेरा राइड एक्सपीरियंस यही था। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।